आप शेखपुरा जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के सांसद रहे राजू बाबू की हत्या हुई थी 9 सितंबर 2005 को। इस प्रसंग में आपके पास क्या यादगार है और कैसा माहौल था, किस परिस्थिति में आप लोगों ने इसको कवरेज किया था? जिस शाम को उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं प्रेस के कार्य से पटना ट्रेन के माध्यम से जा रहा था और 7 बजे शाम को लगभग 9 सितंबर 2005 को मुझे ट्रेन पर ही जानकारी मिली कि सांसद राजू सिंह जी की हत्या अपराधियों ने जिला इनका कार्यालय आज़ाद हिंद आश्रम में घुसकर गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर ली। तो खबर सुनने के बाद मैं हफीदा स्टेशन के पास ट्रेन से जो है उतर गया रात में ही, और दूसरे ट्रेन से किहूल होते हुए मैं सुबह 6 बजे दूसरे दिन 6 बजे सुबह जब कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो माहौल काफ़ी गमगीन था और लोग काफ़ी उत्तेजित थे उनकी हत्या के चलते, क्योंकि ये सर्वत्र लोग जानते हैं कि राजू बाबू एक पर्याय विकास के नाम पर पर्याय बने हुए थे, शेखपुरा ही नहीं अलग पहचान उनकी बिहार में थी। इस तरह के नेता थे जो विकास में ही विश्वास करते थे और बहुत ही संयमी और सब चीज़ से दूर, कहने का मतलब वो नेता इतना थे कि हर वर्ग के हर तबके के लोग को लेकर चलते थे। जब मैं लौटा पहुंचा तब तक के पटना से कई मीडिया हाउस के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के से लेकर प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार पहुंचे हुए थे, यहाँ से डायरेक्ट लाइव हो रहा था। उस समय सफीना एन यहाँ की DM थी, उनको भी खूब लोग उत्तेजित लोगों का खूब भाजन का शिकार होना पड़ा। सफीना एन थी और MR बेली साहब DM SP थी, उन लोगों को भी काफ़ी, और उस समय पटना से प्रदेश कार्यालय से कांग्रेस के कई नेताओं का आवागमन शुरू हो गया, आने जाने लगे कई नेता, बहुत से बड़े नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। तो स्थिति यह थी कि लोगों में एक तरफ जहां गम था उनकी हत्या के बाद, और वहीं जो है एक तरफ काफ़ी उत्तेजना थी और माहौल दिन भर क्या शाम तक यही स्थिति बना रहा। बड़े बड़े नेताओं का आना, कई दूसरे दल के बड़े नेता सूरजभान भी आए, बहुत से नेता आए और ये स्थिति राजू बाबू की रही। लोगों को टीस ये सता रही थी कि इनकी हत्या के बाद जो शेखपुरा एक छोटा जिला था जिसके वो निर्माता थे, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के सहयोग से विकास के एक अध्याय जोड़ा था शेखपुरा को जिला बनाकर, जो कि 100 किलोमीटर यहाँ से लोगों को केलौआ का गठरी लेकर जाना पड़ता था, मुंगेर लखीसराय उतरना पड़ता था, वहाँ से जमालपुर उतरना पड़ता था, फिर जमालपुर से मुंगेर जाना पड़ता, मतलब एक अगर कोई कार्य जिला का रहता था तो 3 दिन समय व्यतीत होता था, आर्थिक मानसिक शारीरिक परेशानियाँ लोगों को उठानी पड़ती थी। वो जिला बनाकर बहुत बड़ा अध्याय जोड़े थे विकास के रूप में शेखपुरा को, और उसकी हत्या हो जाने के बाद स्वाभाविक है उनके समर्थक, उनके चहेते, उनके हमदर्द, उनके पार्टी के लोगों में क्या स्थिति होगी वो तो आप भी समझ सकते हैं। जब ये आपको पहली सूचना जो मिली तो क्या सूचना मिली और कैसे हत्या हुई, हत्यारे कैसे आए, कैसे उनको गोली मारा, वो क्या कर रहे थे? जहाँ तक मुझे सूचना मिली कि शाम का समय था, राजू सिंह जी अपने कांग्रेस आश्रम में जो है सदाकत आज़ाद हिंद आश्रम में वो खपड़ेल एक जो कमरा है उसी पर जो है बैठकर RU डिपार्टमेंट के प्रधान लिपिक श्यामनंदन सिंह, जो इसी जिला के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के चेवाड़ा प्रखंड के लोहान गांव के थे, उनसे वार्तालाप कर रहे थे। सड़क उड़क मैंने जिले में कोई ग्रामीण सड़क वगैरह के बारे में उसी समय शाम के समय जो है जब दोनों बात कर रहे थे
तो अचानक अपराधी घुस आए। दरवाज़ा तो खुला ही रहता था आम लोगों के लिए, उनका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता था, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, आसानी से प्रवेश कर गए। उसके बाद उन पर जो है कुछ नोकझोंक भी हुआ, शायद वह बोले भी कि हमको मार कर क्या कीजिएगा। फिर वही अपराधी उनको मारे, इसी क्रम में भागने लगे प्रधान लिपिक आर्यों के, उनको भी खदेड़ करके अपराधी वो चाहे कि दीवार फांद कर पिछवाड़े से भाग जाएं, उनको भी अपराधी गोली मार दिया, जबकि उनकी लाश कल होकर या उसी दिन शायद मिली, जो कि शौचालय बना हुआ था जहां राजो सिंह जी की हत्या की गई थी, उससे काफ़ी दूर बाहर में चार दीवारी के अंदर ही